वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज हम झटपट खतरनाक सा प्रॉब्लम सॉल्वर चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे जिसमें सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक बड़ा सा पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो ये नाम जो रखा है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर चिकन कॉर्न सूप, तो चिकन कॉर्न सूप सर्दियाँ आती है सबको पीना होता है, लेकिन उसमें इश्यूज बहुत होते हैं। जैसे कि मेरे हबी को आती है स्मेल चिकन के बॉयल होने की। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों के इश्यूज ये जो कि मेरे हबी के भी हैं कि पीते जाते हैं और वो पतला होता जाता है, या फिर बना लिया है थोड़ी देर बाद पतला हो गया। तो इसमें सारे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और एक ख़तरनाक सा सूप बनाया है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो, ये पैन जो है वो गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तो याद देखिए बोन वाली चिकन है हमारे पास, पूरी चिकन जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। बेसिकली क्या होता है कि चिकन का हर पार्ट जो है उसका फ्लेवर भी अलग होता है, और प्लस हड्डियाँ में जो है ना वो पकेगा तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो विद बोन होल चिकन है, इसको अब हम डाल देते हैं अपने ऑयल में। तो इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम हमारी हाई है, तो यहाँ देखें ऑलमोस्ट हमारी चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छे से, अदरक लहसुन के साथ भी 2 मिनट भून लेंगे। तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसका मतलब जिंजर गार्लिक के साथ भी अच्छी से भून गई है। तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर आपके पास है तो सही है, अदरवाइज छोटी सी अनियन 1 टेबलस्पून ग्रेट करके डाल दें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो काली मिर्चों का ही डाल दें, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब 2, और 1 टीस्पून नमक, ये चला जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी और इसको भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है, नीचे चिपक भी रहा है, थोड़ा सा स्क्रेप कर देते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं 2.5 लीटर पानी, चम्मच को भी साथ साथ वॉश कर लेंगे। तो ये 5 कप हमारा चला गया, तो अनदर 5 कप जा रहा है यानी 10 कप पानी हो गया। फ्लेम अभी हमारी हाई है, कवर कर देते हैं और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ देखें बॉयल आ गया है, तो अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो करके पकाएंगे 25-30 मिनट्स। और आपकी चिकन पे डिपेंड है कि कब टेंडर होती है, तो बेसिकली चिकन के टेंडर होने पे मिलते हैं, और फ्लेम बिल्कुल लो है। 30 मिनट्स हो गए हैं, खुशबुएँ शानदार आ रही है, और हमारी चिकन जो है देख लेते हैं। ये देखें गल गई है, हमें बिखेर नहीं देना है, सिर्फ ये कि गल जानी चाहिए अच्छी सी। तो इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 कप पानी। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 2 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, मेरा राइस है, 2 टीस्पून सोया सॉस। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के कॉर्न, मेरे पार बॉइल्ड है इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, अगर आपके पार बॉइल्ड ना हो तब आप जब हमने चिकन बॉइल की थी जब भी चाहे तो डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे
एक टेबलस्पून भर के चिकन बेस, जैसे चिकन पाउडर होता है ना, तो उसके बजाय ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आपके पास ये चिकन बेस ना हो तब आप इसकी जगह एक टेबलस्पून पाउडर भी डाल सकते हैं और 3 चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं नोरिया मैगी की। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और अब इसे हम पकने देंगे और आ जाते हैं चिकन की तरफ, इसको श्रेड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो बड़े पीस इस तरह से निकाल के और फूड प्रोसेसर में भी हल्का सा कर सकते हैं, एक दो मरतबा घुमाएंगे तो बारीक सी हो जाएगी। अब इसको बाल आ गया तो थोड़ा सा स्लो करके और कवर कर देते हैं ताकि ये 5 मिनट अच्छे से पक जाए। तो ये देखें हमारी चिकन श्रेड हो गई है और अब इसको डाल देते हैं हम अपने सूप में। चिकन कॉर्न सूप में स्टील का चम्मच नहीं यूज़ करें इस पॉइंट के बाद, इसकी वजह है कि जब आप स्लरी बना के डालते हैं ना तो वो थिन होने में हेल्प करती है और आप थिक करने के लिए ख्वार हो रहे होते हैं। हम अपनी स्लरी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास 7 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा और इसको पानी डाल के अच्छी स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास पानी है, तो ये मैंने पूरा कप पानी डाल दिया है, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी स्लरी बन गई है। तो अब एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हिलाएंगे जब ये बॉईल हो रहा होगा तब। तो ये देखें बॉईल हो रहा है, तो इस तरह से डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। सारी हमने डाल दी और अभी इसको 30 सेकेंड चलाते रहेंगे और अब इसे कवर करते हैं। फ्लेम को करते हैं मीडियम लो और इसको कुक करते हैं अराउंड 5-6 मिनट्स। 5-7 मिनट हो गए हमारे सूप को पकते हुए, तो अब अंडे डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए, फेटेंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेदी भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों डालते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये हो गया, ढक्कन को खोलते हैं, चम्मच ले लेते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी सी हो गई है। अब एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चलाएंगे, क्रेजी की तरह नहीं चलाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। अब लास्ट इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड ऑयल, तिल का तेल अगर है तो डाल दें, फ्लेवर अच्छा आएगा। तो अराउंड 1 टीस्पून के आसपास। इससे एक किक सी मिल जाती है। अब देखिए बॉईल हो रहा है बड़े अच्छे से, डिश आउट करते हैं। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें सिरके में डूबी हुई, साथ ही इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस
रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा ढेर सारा सूप बन गया। सारे प्रॉब्लम को हमने एलिमिनेट कर दिया। चिकन की स्मेल आती है उबली हुई की, वो भी नखरे ख़त्म। पतला हो जाता है उसका भी मसला ख़त्म। एक तो हम यूज़ नहीं करेंगे स्टील का स्पून, प्लस हमने इसमें डाल दिया मैदा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मैदे की क्वांटिटी 1/8 टेबल स्पून और भी बढ़ा सकते हैं, कॉर्नस्टार्च भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन से इसी तरह का रहेगा। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर फ्लेवरफुल है लेकिन इतना ही गर्म है, माइंड ब्लोइंग। फ्लेवर तो कूट कूट के भरे हुए हैं। और ये आप लोगों के लिए। बनाएंगे ना आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर मज़ेदार है, ख़तरनाक है। पी लिया ना तो अब और केक महसूस हो रही है, दिल चाह रहा है एक और स्पून पी लूँ, एक और स्पून। कुछ चीज़ें जो है एडिक्टिंग होती है ना, मुँह में जाती है, मज़े की लगती है, अच्छी लगती है, फिर और भी अच्छी लगती है, और भी ख़तरनाक लगने लग जाती है। तो अब सर्दियों का मौसम है, वैसे भी मैंने अलग अलग तरह के बहुत सारे सूप बनाए, स्वीट एंड सार सूप, चिकन कॉर्न सूप भी, जल्दी वाला भी बनाया, अलग अलग तरह के बनाए। तो सारी चीज़ों का लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो भी देखिएगा और सब एवरीडे बनाइएगा। सर्दियाँ तो अभी टिकेंगी, अभी तो आई हैं। तो चलिए जल्दी ली जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।